हिंदू धर्म में आए दिन व्रत त्यौहार आते रहते हैं। ऐसे में भले ही वो एकादशी हो, श्रावण का महीना हो, या तो फिर कोई बड़ा त्यौहार हो या बड़ा व्रत हो, हर घर में जब भी कोई भी व्रत आता है, कोई ऐसा खास दिन आता है, ऐसे दिनों में लहसुन और प्याज और जो मांस होता है उससे लोग दूरी बनाए रखते हैं। ये जो नियम जिसने बनाया है, वो भले ही संत हो या तो फिर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, या जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, उन सभी पे ये एक ही चीज़ लागू पड़ती है कि जब भी कोई व्रत त्यौहार हो, ऐसे दिनों में प्याज और लहसुन और जो नॉनवेज होता है उसको नहीं खाया जाता है। क्या आपको कभी ये क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब चलिए नॉनवेज खाने का तो हम समझ सकते हैं कि कोई त्यौहार है या व्रत है तो ऐसे दिनों में नॉनवेज नहीं खाते हैं, मगर प्याज और लहसुन को क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वो वैसे तो सब्जियों में से ही आता है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्रत और त्यौहार में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी कि तीन अलग अलग तरह के भोजन जो मेन होते हैं उसमें कौन सा डिफरेंस है, और वो खाने पर इंसान के जो पूरा ओवरऑल उसका जो कैरेक्टर होता है, जो व्यक्तित्व होता है, उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो खाने को तीन हिस्सों में बाँटा गया है। वो तीन में से हिस्सा है, एक तो तामसिक है, दूसरा राजसिक है, और तीसरा है सात्विक। सात्विक भोजन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अंदर सब्जियाँ, दाल, दही, दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को सात्विक भोजन कहा जाता है। सात्विक भोजन एकदम सिंपल होता है और पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होता है। कहा जाता है कि आपका भोजन, आपका खाना जितना शुद्ध होगा, आपका मन भी उतना ही ज़्यादा शुद्ध रहेगा। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि जब आप सात्विक भोजन करते हो, जब आप एकदम सिंपल खाना खाते हो, तो आपका आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो भी शुद्ध रहती है और आप डायरेक्ट गॉड से आसानी से कनेक्ट कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें सात्विक भोजन के लेकर मानी जाती है। सात्विक भोजन खाने से आपको बीमारियों का सामना कम करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपकी जो सोच है, आपका जो माइंड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो सात्विक भोजन में पूरी तरह से प्योर खाना आता है, शुद्ध शाकाहारी खाना, उसको सात्विक भोजन माना जाता है, जो कि उपवास के दिनों में ज़्यादातर किया जाता है। अभी दूसरा आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन में तेल मसाले आते हैं, जो भी आप स्पाइसेस खाते हो, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, फिर जो अंडे होते हैं, मछली है, ये सारी चीज़ें राजसिक भोजन के अंदर आती है। राजसिक भोजन खाने वाले लोग एकदम कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कि उनमें इतना ज़्यादा स्थिरता नहीं देखी जाती है और उनका मन भी काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है। तो ये राजसिक भोजन था। अभी जो आखिरी आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में मरी हुई चीज़ें, जैसे कि मांस है, नॉनवेज है, ये सारी चीज़ें तामसिक में आती है, और इसी के अंदर प्याज और लहसुन भी आते हैं। यानी कि प्याज और लहसुन शुद्ध शाकाहारी नहीं माना गया है। प्याज और लहसुन है उसको सात्विक भोजन नहीं कहा जाता है, यानी कि वो एक सिंपल खाना नहीं है, उसको तामसिक भोजन में कहा गया है। देखिए, दरअसल तामसिक भोजन करने से ऐसा भी ये रिसर्च हुई है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा नॉनवेज या तो फिर प्याज लहसुन वाली चीज़ें खा लेते हो, तो इससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि आपका ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, या तो फिर उसका उल्टा असर भी पड़ेगा, यानी कि आपका ब्लड फ्लो एकदम ही धीरे हो जाएगा, जो कि आमतौर पर लहसुन और प्याज खाने से होता है। तो इसलिए व्रत के दिनों में, क्योंकि आप व्रत के दिनों में खाना नहीं खाते हो, अगर ऐसे दिनों में आप प्याज और लहसुन वाली चीज़ें खाओगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन पर सीधा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप भूखे रहते हो और आपका ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम पर एकदम स्थिर होना चाहिए, तो ही आप व्रत कर पाओगे। तो इसलिए व्रत के दिनों में, उपवास के दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है।
इसके अलावा जो लोग ज़्यादा तामसिक भोजन करते हैं, ये भी माना जाता है कि उनमें कोई भी क्लियरिटी नहीं होती है, उनको ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें उनके माइंड पर इफ़ेक्ट करती है और उनका मूड, उनमें काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स भी देखे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उपवास के दिनों में आपको प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड फ्लो पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।